मैं हूं सुरंजन, आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविजन 2। ये बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। पहले ओडीआई के दौरान जो मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच में टाई हुआ था, 230 श्रीलंका ने बनाए थे 8 विकेट खोकर, और हम लोग 230 में ऑल आउट हो गए, जिसमें इरिस्पॉन्सिबल स्ट्रोक खेल करके अर्शदीप सिंह आउट हुए थे। लेकिन जैसे आप लोगों को पता होगा भी नहीं भी हो सकता है, जैसे कोई सीरीज के पहले उसका जो मेमोरेंडम है वो सेटल किया जाता है, तो इस तथ्य को देने के लिए रोहित जुगलान को बहुत बहुत शुक्रिया। तो चूक क्या हुई कि वो जो एग्रीमेंट हुआ, मेमोरेंडम जो साइन किया गया, उसमें सीधा सीधा कहा गया था अगर कोई सिचुएशन ऐसा हो कि टाई हो तो उसमें सुपर ओवर होना चाहिए, सुपर ओवर करके मैच का जो है डिसीशन होना चाहिए। लेकिन पहले ओडीआई में इसमें बड़ी चूक हुई, रंजन मधुगले से भी हुई, थर्ड एम्पायर से भी हुई, टीवी एम्पायर से भी हुई, और फील्डिंग फील्ड में ऑन फील्ड एम्पायर जो थे उनसे भी बड़ी चूक हो गई। कैसे हुई, क्यों हुई, ये किसी को अभी तक पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा चूक हुई, क्योंकि पहले से मेमोरेंडम आर्टिकल में अगर ये तय किया गया तो उस दिन सुपर ओवर होना चाहिए था। ये जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में बायलेटरल सीरीज खेलते हैं तो उसके पहले जो बातचीत होती है कैसे क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन लेकर के पूरा, हॉस्पिटलिटी लेकर के पूरा चीज़ उसमें ये ब्यौरा दिया जाता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती है। किसका है, क्यों हुआ है, क्यों हुआ ऐसा, ये सोचने की बात है, लेकिन इसको लेकर के आगे बहुत सावधान रहना पड़ेगा दोनों, किसी भी कंट्री को जब वो बायलेटरल सीरीज खेले। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये आप लोगों को पहुंचाना था, तो ये आप लोग के पास में पहुंच जाएगी वीडियो के जरिए, और आप लोग देखेंगे उसके बाद में इसको लेकर के कमेंट्स भी करेंगे। अगर मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविजन 2 आप लोगों को अच्छा लगे, आप दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।